हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें चैप्टर का नाम है कॉलम एंड स्ट्रट। तो आज फ्रेंड्स जो मैं बताने वाला हूँ, जो कॉलम एंड स्ट्रट चैप्टर है उसकी जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो एग्जाम पर्पज से, वो सारी थ्योरी बताऊंगा इसमें। इसके अलावा इसके सारे फॉर्मूले बताऊंगा, जिससे आप जो भी एग्जाम आने वाला है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते। इसमें शामिल किया है मैंने कॉलम की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कॉलम, जैसे रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, इसके अलावा जो यूलर्स के एजम्पशन क्या होते हैं, यूलर्स फार्मूला क्या होता है, रैंकाइन फार्मूला क्या होता है, इस सब कुछ मैं बताने वाला हूं विद एग्जांपल। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो पूरा देखें, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसके अलावा मैकेनिकल ड्राफ्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मटेरियल टेक्नोलॉजी, इन सब की वीडियो देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें डायरेक्ट जाने के लिए आप स्क्रीन पर टच करेंगे तो ऊपर कॉर्नर में राइट कॉर्नर में आई बटन दिख जाएगा, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारे प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कॉलम्स क्या होता है, फिर इसके बाद स्ट्रट समझेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस समझेंगे। तो जैसा हम जानते हैं, हमने देखे हुए हैं कि कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं या कोई हम ब्रिज बनाते हैं या फिर कोई हम क्या जो ओवर ब्रिज बनाते हैं, तो इन सब को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पिलर्स खड़े करते हैं। जो पिलर्स क्या करते हैं, इन सब का लोड बियर करते हैं, जिससे ये जिस पर ये टिके रहते हैं। तो ये जो एआई जो पिलर्स होते हैं, इस एआई कैसे बनते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन बनते हैं, इस वर्टिकल डायरेक्शन बनते हैं। और इसमें क्या रहता है, ऊपर से क्या होता है, लोड लगता हुआ है एक्सियल डायरेक्शन में लगता है, वो यार दोनों एंड पे कैसे रहते, फिक्स रहते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। इसी के आधार पर क्या होते हैं, इसको इसकी डेफिनेशन लिखी गई, क्या कॉलम क्या एक वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर है जो क्या करते हैं, एक्सियल कंप्रेसिव लोड बियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पिलर्स ऑफ बिल्डिंग है, पिलर्स ऑफ रोड, ब्रिज, इस तरह आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने अब जो एग्जाम में डायग्राम है, ये डायग्राम में एग्जाम में बनाएंगे आप, जैसा एग्जाम्पल के रूप में ये डायग्राम बनाए, जरूर जब भी डेफिनेशन आती है लिखने को। इसके अलावा ये जो एग्जाम्पल दिखाने के पर्पज से आपको, जिससे माइंड में आपकी सेट हो जाए कि जैसे हमने एक कोई बीम ली है, इसमें हमने एक कॉलम्स पिलर्स बनाए हुए हैं, पिलर्स को ही हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। अब हम स्ट्रट समझते हैं, फिर दोनों में थोड़ा सा अंतर समझेंगे। स्ट्रट्स फ्रेंड क्या होता है, जैसे कॉलम होता है इस तरह स्ट्रट भी होता है, जो क्या करता है कहीं ना कहीं सपोर्ट के लिए लगा रहता है और लोड को बियर ये भी करता है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है कि फिक्स नहीं रहती कि यह वर्टिकल डायरेक्शन में ही हो, जबकि कॉलम फिक्स है, दोनों एंड फिक्स रहता है और वर्टिकल डायरेक्शन में ही रहता है, लेकिन स्ट्रट में क्या रहता है, यह हॉरिजॉन्टल पोजिशन में भी रहता है, वर्टिकल में भी रह सकता है, इंक्लाइन में भी रह सकता है, किसी भी पोजिशन में रहता है, वह यह लॉन्ग नहीं रहता, हमेशा शॉर्ट में रहता है। और जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस लिखा है कि ऑल कॉलम स्ट्रट हो सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रट है वह कॉलम नहीं हो सकता, ठीक है। अब जिसके कुछ एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बताया अभी पहले ही बता चुका हूँ, कॉलम क्या रहता है, दोनों ओर फिक्स रहता है, जबकि क्या होता है स्ट्रट, दोनों ओर जरूर नहीं कि दोनों ओर फिक्स हो, वह पिन ज्वाइंट भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि जो हमारे स्ट्रट के, जैसे कुछ हमारे एग्जाम्पल पिस्टन रॉड है, कनेक्टिंग रॉड है, फोर्जिंग मशीन में साइड की कड़ियां आड़ी लगी रहती हैं, जो जिस तरह अगर लेकिन कॉलम की एग्जाम्पल देंगे तो कुछ जो हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हमारे बड़े बड़े कॉलम्स लगे रहते हैं, प्लस लगे रहते हैं, जिनके सारे जो हमारी छत बनाते हैं उस टिकी रहती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, इन बेसिस पे क्या रहते हैं, कई बार डिफरेंस पूछा जाता तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस लिख सकते हैं, जैसा कि हमारी दोनों डेफिनेशन पढ़ के और कुछ एग्जाम्पल पढ़ के। अब नेक्स्ट समझते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फ्रेंड्स, ये भी कई बार पूछा जाता है या फिर कह सकते हैं हमें हमारे लिए जरूरी है कि बकलिंग लोड क्या होता है या क्रशिंग लोड क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो कॉलम्स रहते हैं उस पर हम जो ऊपर से एक्सियल डायरेक्शन में क्या लगाते हैं, कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, तो उसके कारण कुछ ना कुछ टेंड आएगा, मतलब कॉलम झुकेगा, दोनों ओर फिक्स रहता है। तो इस तरह ये एग्जाम्पल दिखाया कि इसकी अगर टोटल लेंथ एल है, अगर ये दोनों ओर फिक्स है तो जब इस पर लोड लगेगा तो उसके कारण कुछ ये टेंड्स होगा, मतलब कुछ इस तरह थोड़ा सा इस पोजीशन में आ जाएगा। तो इससे ये जो पोजीशन आती है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बकलिंग पोजीशन, ठीक है। ये होती है इसकी क्या होती है, जो इनिशियल कंडीशन, जैसे कि हमने बताया यहाँ एल डायमेंशन। अब इसमें दो थे, पहला क्या होता है एक्सियल कंप्रेसिव लोड क्या होता है, जब अप्लाई करेंगे तो जो थोड़ा सा डिस्प्लेस होती है उसे हम बोलते हैं बकलिंग, लेकिन जो मिनिमम जो हमारी एक्सियल कंप्रेसिव लोड होता है जिसके कारण
जो हमारी बकलिंग स्टार्टिंग होती है, बकलिंग हो जाती है या क्रिपलिंग हो जाती है, उस लोड के, जिस लोड के कारण, उस लोड को बोलते हैं बकलिंग लोड्स। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी, उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट है जैसे स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है, वो आगे समझते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड स्लेंडरनेस रेशो, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक सिंपल सा फॉर रहता है। स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है, इस पर डिपेंड रहती है कॉलम की कंडीशन, कि कॉलम लॉन्ग है, शॉर्ट है या फिर मीडियम साइज का है। तो इसी स्लेंडरनेस रेशो के अकॉर्डिंग क्या डिफाइन किया जाता है कॉलम्स। यह जो रहता है वह क्या रहता है, जो लेंथ रहता है और इसका डायमीटर रहता है उसके रेशो के ऊपर डिपेंड रहता है। इसी के आधार पर फ्रेंड्स जो स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशो इज डिफाइन एज अ रेशो क्या होता है, लेंथ ऑफ द कॉलम एंड मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन के जो दोनों के रेशो या अनुपात को क्या बोलते हैं, स्लेंडरनेस रेशो। लेंथ ऑफ द कॉलम और मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, इस दोनों के अनुपात को या रेशो को क्या बोलते हैं हम, स्लेंडरनेस रेशो। अब जो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ द कॉलम क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ रहती है जो कॉलम की होती है, क्योंकि एक इफेक्टिव लेंथ है कॉलम। जैसे हमने अभी ऊपर बताया था कि जो लेंथ है टोटल वो क्या होती है, लेंथ, इसके बाद लोड लगने के बाद जो लेंथ होती है ना, जो वकलिंग पोजिशन में आ जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, उसके बाद जो लेंथ होती है उसे बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, तो जो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। मिनिमम रेडिएशन क्या होता है, जो रेडियस ऑफ जायरेशन इज क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम किसी भी एक्सिस से जहां पर कोई भी हमने एरिया एज्यूम किया है, उस एरिया की जो भी सीजी रहती है, जहां पर पूरा एरिया कॉन्सेंट्रेटेड रहा है, वहां तक की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन का जो यहाँ पर के, इसकी इसको जो फाइंड आउट करेंगे तो किस फॉर्मूले से करेंगे, के इज इक्वल टू रूट के अंदर आई मिनिमम अपॉन ए। आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो भी सेक्शन होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ए क्या होगा, जो सेक्शन होगा उसका एरिया होगा। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, के निकालेंगे, के को कहाँ रखेंगे, इस फॉर्मूले रखेंगे। एल क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ होगी जो कि गिवन होगी। इस आधार पर स्लेंडरनेस रेशो को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर नेम लिखा है जिसको आप नोट कर सकते हैं और एग्जाम के पर्पज से आप इसको समझा सकते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट समझते हैं। तो फ्रेंड्स कॉलम का क्लासिफिकेशन, ये भी क्वेश्चन आता है कि कॉलम क्लासिफाई, तो कॉलम थ्री टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम और मीडियम कॉलम। तो यह जो डिफाइन किए जाते हैं, यह किसके आधार पर किए जाते हैं, स्लेंडरनेस रेशो। जो स्लेंडरनेस रेशो अपन फाइंड आउट करेंगे उसके अकॉर्डिंग पता पड़ता है कि शॉर्ट कॉलम है, लॉन्ग कॉलम, मीडियम कॉलम। इसके अलावा इसकी जो लेंथ और डायमीटर के रेशो के ऊपर डिफाइन किया जाता है। तो अगर शॉर्ट कॉलम है तो उसका जो स्लेंडरनेस रेशो होगा कितना, 32 से कम होगा। कितना होगा, 32 से कम होगा। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशो से ऊपर बता चुका हूँ, जो इफेक्टिव लेंथ होगी और रेडियस ऑफ जायरेशन होगा, उन दोनों का रेशो होता है, वह कितना हो चाहिए, 32 से कम हो चाहिए, तो शॉर्ट कॉलम है। लेकिन जो उसकी लेंथ है और डायमीटर, इनका रेशो कितना चाहिए, लेस देन 8। तो फ्रेंड्स कहता हूं चाहिए, जो लेंथ जो भी कॉलम की होगी उसका जो डायमीटर होगा उसको जब रखेंगे तो उसकी वैल्यू 8 से अगर कम आ रही है तो वो कैसा, शॉर्ट कॉलम है। इसी तरह हम लॉन्ग कॉलम कितना हो जाए, जो स्लेंडरनेस रेशो है वह कितना हो चाहिए, 120 से कितना, कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कितना, 100, मोर देन 120। लेकिन उसका जो लेंथ और जो डायमीटर होता है उसका रेशो कितना होना चाहिए, 30 से अधिक होना चाहिए। कितना, 30 से अधिक होना चाहिए, जो भी लेंथ होगी उसके जो डायमीटर दोनों पुट कर देंगे यहाँ पर तो वह 30 से अधिक होगी, तो कैसा होगा, लॉन्ग कॉलम। लेकिन इन दोनों के मतलब 32 और 120 के बीच में है तो वो होता मीडियम साइज कॉलम। इसी तरह उसका जो लेंथ और डायमीटर का रेशो है वह 8 और 30 के बीच में है तो कैसा होगा, मीडियम साइज कॉलम। स्ट्रेंथ जो रहती है वो लॉन्ग कॉलम में कम रहती है क्योंकि वो जल्दी फेल होता है, क्योंकि वो लॉन्ग है ना, इसके शॉर्ट कॉलम क्या रहते हैं, ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है इसमें। तो ये जो रेशो के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कॉलम्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और फॉर्मूले देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स है यूलर्स थ्योरी, या कह सकते हैं यूलर्स फॉर्मूला। नेक्स्ट अब इसका यूलर्स फॉर्मूला बताने से पहले मैं क्या करूं, इसके कुछ एजम्पशंस रहते हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बताता हूं। तो क्या कह रहा है, कॉलम की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, पहला तो क्या कह रहा है, स्ट्रेट होनी चाहिए कॉलम, कैसा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, और ट्रूली मतलब उसका लोड कैसे, एकदम एक्सियल डायरेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे में पॉइंट में बता रहा है कि जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैसा यूनिफॉर्म थ्रू आउट होना चाहिए, मतलब नीचे से ऊपर तक एक जैसा होना चाहिए। इस तरह बोला जो कॉलम्स का मटेरियल कैसा होना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, तथा हुक्स लॉ का नियम का पालन करना चाहिए। हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ।
इसके अलावा क्या कह रहा है, लेंथ जो रहती है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के कंपेयर में ज्यादा होने चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा होने चाहिए। इस तरह क्या कह रहा है, फेलर ऑफ कॉलम अकर्स ड्यू टू बकलिंग अलोन, ठीक है। तो ये कुछ एजम्पशन थे, हिंदी में आप यहां पढ़ सकते हैं। इसके आधार पर एक क्वेश्चन आता है कि इसके एजम्पशन बताइए। अब इसके आधार पर जो फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल में यूज करेंगे उस फॉर्मूले को बताता हूं, उसकी डिटेल्स बताता हूं। तो फ्रेंड्स ये यूलर्स फॉर्मूला है जिस पे न्यूमेरिकल आते हैं, इसके बेस पे। तो सबसे पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। पी इक्वल टू क्या है, पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, क्या है, पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। पी क्या है, जो भी हमारा लोड निकालते हैं फ्रेंड्स, पी क्या है, लोड है, जैसे क्रिपलिंग लोड या बकलिंग लोड भी कह सकते हैं, है ना। तो क्रिपलिंग लोड निकालते हैं हम, क्या होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, पाई जो जो भी वैल्यू रहती है कैलकुलेटर में। ई क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहती है जो किसी मटेरियल के लिए रहती है। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है जो किसी सेक्शन के लिए रहता है। ई क्या है, एल क्या है, यहाँ इफेक्टिव लेंथ क्या है, एल ई भी लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, एल ई लिख सकते हैं नीचे, क्या बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये होती है इफेक्टिव लेंथ। ये कॉलम की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, कॉलम की चार कंडीशन होती है और चारों कंडीशन के ऊपर यहाँ पर एल की वैल्यू रखेंगे न्यूमेरिकल में जैसी कंडीशन आएगी। तो पहली कंडीशन होती है कि अगर इसका वन एंड फिक्स है और दूसरा फ्री है, मतलब एक फिक्स है और दूसरा फ्री है, तो उसके लिए जो कंडीशन बनेगी, जैसे कि यहाँ डायरेक्शन दिख रहा है, एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है, तो उसके लिए जो यहाँ एल की वैल्यू रखेंगे वो क्या होगी, टू एल, मतलब जो नॉर्मल एल दी रहेगी उसमें टू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें रखेंगे, अगर ऐसी कंडीशन आती है कि वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में कंडीशन आती है बोथ एंड पिन, दोनों एंड पिन ज्वाइंट है या कब्जेदार है ना, पिन ज्वाइंट है, तो उसके लिए अगर पिन ज्वाइंट है तो उसके लिए जो एल की वैल्यू रखेंगे तो एल की वैल्यू जो भी ओरिजिनल एल दिया रहेगी उसके बराबर ही रहती है। इसके अलावा वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज, कैसा, वन एंड फिक्स और अदर हिंज, ऐसी न्यूमेरिकल में कंडीशन आती है तो जी यहाँ पर एल की जो वैल्यू रखेंगे वो क्या होगी, एल एल ई इक्वल टू एल ई, मतलब यहाँ पर एल ई रहता है, ई यहाँ पर और बना सकते हैं आप, इक्वल टू क्या होता है, एल बटे रूट टू, क्या होता है, एल बटे रूट टू, या फिर एल इक्वल टू 0.7 एल भी लिख सकते हैं। तो एल एल अपॉन रूट टू हो जाएगी उसकी वैल्यू। इसके अलावा अगर बोथ एंड फिक्स है, क्या है, बोथ एंड फिक्स है, तो जो यहाँ पर एल की वैल्यू रखेंगे वो एल ई इक्वल टू एल बाय टू, जो भी ओरिजिनल एल रहेगी उसके बटे टू कर देंगे तो जो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरह हम क्रिपलिंग लोड की वैल्यू निकालते हैं यूलर फॉर्मूले के थ्रू। अब नेक्स्ट रैंकाइन्स फॉर्मूला वो भी समझते हैं, इसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। ये फ्रेंड्स रैंकाइन फॉर्मूला, रैंकाइन फॉर्मूले के ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं, तो फॉर्मूले पहले समझ लें। पी आर इक्वल टू सिग्मा सी एस इंटू ए अपॉन वन प्लस ए एल ई अपॉन के का होल स्क्वायर, क्या एल ई अपॉन के का होल स्क्वायर। तो ये सिग्मा सी की जो वैल्यू आएगी, वो सिग्मा सी की जो वैल्यू होगी उसे बोलते हैं क्रैशिंग स्ट्रेस। क्रैशिंग स्ट्रेस जो भी गिवन होगा इसको अपन फाइंड आउट करेंगे जो भी स्ट्रेस के फॉर्मूले से, ठीक है। क्रैशिंग स्ट्रेस ये क्या होता है, जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा कॉलम का, ये स्मॉल ए क्या होता है, ये रैंकाइन कांस्टेंट रहता है। रैंकाइन कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा न्यूमेरिकल में गिवन रहती है, देखेंगे उसमें एक बुक में टेबल भी दी रहती है, उससे भी देख सकते हैं आप। तो स्मॉल ए इक्वल टू रैंकाइन कांस्टेंट होता है। एल ई क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, इफेक्टिव लेंथ जो कि मैंने अभी इससे पहले बताया था, कुछ फॉर्मूले के अलग अलग कॉलम की कंडीशन के ऊपर निकाली जाती है। क्या होता है, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन का भी फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, वो भी आप स्टार्टिंग में देखेंगे, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। रूट के अंदर आई अपॉन ए, क्या बताया था, रूट के अंदर आई अपॉन के इक्वल टू होता है रूट के अंदर आई अपॉन ए, आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए क्या होता है एरिया, तो उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला रैंकाइन, इसको भी नोट कर लें आप, है ना। इसके अलावा इससे पहले फॉर्मूला बताया उसको नोट, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल जब भी लाऊंगा आपको तो मैं उससे आपको क्लियर कर दूंगा डाउट जो भी आएंगे। आप थ्योरी और ये फॉर्मूले नोट कर लें फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।